जपा मैं तेरा, नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनावा, नाम जपा मैं तेरा, नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनावा, यीशु मेरा मुक्ति दाता है हो कहता जावा, यीशु मेरा मुक्ति दाता है हो कहता जावा, मैं ए हो कहता जावा, नाम जपा मैं तेरा, ओ यीशु तेरी हमद सुनावा, नाम जपा मैं तेरा, यीशु तेरी हमद सुनावा, रात सच भी सच भी आप यीशु, जिंदगी भी आप, क्यों ना दे कोल जाके अपनी जिंदगी पावा, क्यों ना दे कोल जाके अपनी जिंदगी पावा, मैं अब दी जिंदगी पावा, तेरी हमद सुनावा। बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नाम उते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फसल, खुदा बाप दा प्रेम ते रूह पाक दी सांग तुहाडे नाल होवे, अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। मसीह वी प्यारे भाइयों ते भराओ, अगले एतवार नू प्रभु यीशु मसीह दे स्वर्ग विच चढ़ जाण दी ईद है, ते उस तो अगले एतवार पेंतेकोस्त दी ईद है। अज असीं पवित्र वचन दे अनुसार सुणांगे कि प्रभु यीशु सानू पवित्र आत्मा नू ग्रहण करन लई तैयार कर रहा है। पवित्र आत्मा वह मददगार है कि जो सानू सहायता प्रदान करता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है, अगवाई करता है, उन्हां अनोखे कम्मां नूं करन दे लई जो असीं समझदे हां कि संभव नहीं आ, साडे कोल नहीं कीते जा सकते, उन्हां सारे कम्मां लई पवित्र आत्मा साडी अगवाई करता है। असीं उस नूं ग्रहण करना है, असीं उस नूं स्वीकार करना है, इसलिए असीं अपने आप दी तैयारी करनी है। ये जो दिन लगभग दो हफ्ते का समा रह गया, इन आने वाले दो हफ्तों विच्चों असी अपने आप नू खुदा दी पवित्र आत्मा दे लई तैयार करिए कि प्रभु सानू तैयार रखे, सानू अपना मार्गदर्शन अपनी शक्ति प्रदान करे, ते अपने कम्मां लई साडी वरतों करे, साडा इस्तेमाल करे। आओ असी अज इसे ही फसल लई प्रार्थना करांगे, तिना पवित्र पिता योगदान अपनाने लई सब तो पहला आओ असी अपने आप की जाँच करिए, अपनी अंतरात्मा अपने समीर की जाँच करते हुए जो गलतियां गुनाह असी प्रभु दे वचना के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ, अपने भैन भरावां जां अपने ही खिलाफ किए हैं, उन्हां तो माफ़ी मंगते हुए सच्चे दिल नाल पछतावा करिए ते आखिए, मैं इकबाल करदा हाँ पूरी कुदरत वाले खुदा अते तुहाडे अगे ऐ प्रभु ते भैणो कि मैं सोच नाल बोलण नाल करण नाल अते अनगहली नाल बहुत गुनाह कीते, अपने दोष दे नाल, अपने ही दोष दे नाल, अपने बहुत वड्डे दोष दे नाल, इस लई मैं तन सदा कुआरी मरियम सारिया फरिश्तियां अते संतां अते तुहाडे अगे ऐ प्रभु ते भैणो मैं बेनती करदा हाँ कि मेरे लई
प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे उत्ते दया करे अते साडे गुनाहां नूं माफ करके सानू सेवी जीवन तक पहुंचावे। आमीन। ऐ प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ऐ मसीहा दया कर, ऐ प्रभु दया कर, ऐ प्रभु दया कर। असी प्रार्थना करिए। ऐ तरसमंद खुदा बख्श दे कि इना पासका पेदा विच तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह दे जी उठन नूं मनाउण नाल असी उसके असरदाई फल अपने रोजाना जीवन में महसूस कर सकी। साडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राही जो तेरे नाल रूह पाक दी एकता विच एक खुदा जीवंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तेकर। आमीन। प्रभु थोड़े दिल विच अते ज़बान ते होवे ता योग ताना तुसी खुदा दा वचन सुना सको। बाप अते बेटे ते रूह पाक दे नाम उते आमीन। पाठ पहला रसूलां दे करतब उस दा 16 बाब 11 तो 15 आयत तक। इसलिए असी त्रोआस तो समुद्री जहाज विच सवार हो के सीधे मथोत्रा दी यात्रा कीती। अगले दिन नियापोलिस अते उत्थों फिलिप पहुँचे जो मकदूनिया दे पहले जिले दा एक प्रमुख नगर अते रोमी बस्ती सी। उस शहर विच असी कुछ दिन ठहरे। सबत दे दिन ए सोच के पई उत्थे कोई प्रार्थना कर होवेगा असी शहरों बार नदी कंडे गए। असी उत्थे बैठ गए अते इकट्ठियां होईयां औरतां नाल गलबात कीती। साडी गलबात सुनन वाली लीदिया नां दी औरत दा प्रभु ने दिल खोल दिता तां कि ओ पौलुस दे कहे शब्द ध्यान नाल सुने। जदों उसने अपने टब्बर समेत बपतिस्मा लै लिया तो उसने ये कहंदिया साड़ी अग्गे बेनती कीती जेकर तुसी सचमुच मनदे हो कि मैं प्रभु दी वफादार चेली हाँ ता आओ अते मेरे घर विच रहो। उसने सानू इस तरह करन ले मना लिया। ये प्रभु दी वाणी है। खुदा दा शुकर होवे। जदों रब ने लिया दी संचुड़ा के दिसोनी जदों रब ने लिया दी संचुड़ा तद साडा हाल सी जीवे सुख न कोई वे सही
प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। पाठ पवित्र अंजील दा संत यूहन्ना दे अनुसार तेरी वडियाई होवे ए प्रभु। उस दा 15 अध्याय 26 आयत तो 16 अध्याय 4 आयत। जदों ओ मददगार सच्चाई दा रूह जो बाप चो निकलदा है आवेगा, जिसनों मैं बाप वालों तुहाडे कोल खलांगा, वो मेरे बारे गवाही देवेगा अते तुसी भी गवाही देवोगे, क्योंकि तुसी शुरू तो मेरे नाल रहे हो। ये सब कुछ मैं तुहानू फटके जान तो बचाउण लई कहा है। ओ तुहानू सिनेगोगां विच्चों कढ देणगे। सच्ची ओ समा आ रहा है जदों तुहानू कतल करन वाला हर कोई ए समझेगा कि ओ खुदा दी सेवा कर रहा है। ओ ए इसलिए करनगे क्योंकि उन्होंने बाप नू नहीं जानिया अते ना ही मैनू। पर मैं तुहानू ए गल्लां इसलिए दसियां हन कि जदों इन्हां दा समा आवे तां तुसी याद करो कि मैं तुहानू इन्हां दे बारे दसियां होया है। प्रभु दे पाक अंजील। तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा। मसीह प्यारे भैणों ते भराओ, अज्ञानता हमेशा सानू विनाश वाल लेके जांदी है। जेकर असी अज्ञान हाँ तो हमेशा असी भटकते रहांगे। साडे विच ज्ञान प्राप्ति करन दी एक खिच होनी चाहिए है, दिलचस्पी होनी चाहिए है। ते नाल ही जदों असी ज्ञान प्राप्त कर लैंदे हाँ ता जो असी ज्ञान जो सच असी ग्रहण किया है उसनू मनना उस दे अनुसार जीवन बतीत करना ये साडे लिए लाजमी हो जाता है। असी वेखते हाँ कि प्रभु येसु मसीह दे मुरदिआं विचों जी उठण तो बाद प्रभु येसु मसीह 40 दिन अपने चेलियां नाल रहिंदे हन। चेलियां नू इस सच्चाई का विश्वास नहीं हो रहा सी कि प्रभु येसु सचमुच मुरदिआं विचों जी उठिया है। प्रभु बार बार उन्होंने दर्शन दे रहा सी वक् वक् थावां ते वक् वक् समें ते। फिर जदों उन्होंने ये विश्वास हो जाता है कि प्रभु सचमुच जी उठिया है तो प्रभु पूरे 40 दिन उन्होंने नाल रहिंदे हन। तो जो 40 दिन समाप्त हो जाते हैं तो प्रभु उन्होंने यही ताकीद करते हैं, ये हुक्म प्रदान करते हैं कि तुसी इन सारिया गल्लां दे गवाह हो, इन गल्लां दे गवाह हो जो मैं खुदा बारे दसिया हन कि खुदा एक है, वो साढ़े सारिया दा पिता है, साडा सृजनहार है, तो साडा उस दे नाल जो रिश्ता है पिता अते उहदी संतान दे वर्गा होना चाहिदा है। प्यारियो ये सारिया गल्लां प्रभु ने अपने चेलियां उत्ते प्रगट कीतियां अते उन्हां सारिया गल्लां सारे लोगों नूं दसियां जिन्हां जिन्हां ने प्रभु नूं सुनिया। असी भी प्रभु दे इन्हां चेलियां दे विच शामिल हुंदे हां। मान लो जेकर ये 12 चेले 12 रसूल अते उन्हां नाल होर भी जो चेले सी जिन्हां नूं पेंतेकोस्त वाले दिन पवित्र आत्मा ग्रहण प्राप्त होया, जेकर उन्होंने प्रभु दे नाम की गवाही नहीं दिती हुंदी, प्रभु दे नाम का प्रचार नहीं किया हुंदा, ते प्रभु येसु का जीवन उसदी सलीबी मौत
उसका मुरदों में जी उठना सारा कुछ एक कहानी बन जाना सी। किताबों में वो दर्ज हो जाना सी कि किसी समय 2000 साल पहला कोई इस तरह की घटना घटी सी। ये सब एक कहानी बन जानी सी। जेकर उन्होंने गवाही नहीं दिती होंगी, दूजियां नू नहीं दस्या होंदा, वो सारे चेले जिन्होंने पवित्र आत्मा नू ग्रहण किया वो इस गल ते हमेशा कायम रहे कि असी प्रभु दे बारे दूजियां नू दसना है, असी उसदे गवाह बनना है, असी दूजियां नू ज्ञान दे वल लैके जाना है, सच्चाई दे वल लैके जाना है। उन्होंने इस कार्ज नू पूरा करने लई शहीदियां प्राप्त कीतियां। अज का वचन प्रभु कहता है कि जोड़े लोग थोड़े अत्याचार करे वो ये समझे कि शायद वो खुदा दे कोई वड्डा काम कर रहे हैं। जेकर इस तरह कर रहे हैं यदा मतलब उन्होंने खुदा नू जानिया ही नहीं। सारे चेलिया ने सारे रसूलों ने शहीदी प्राप्त की, पर गवाही देन दा जो सिलसिला है वह कभी नहीं रुकिया। इस करके उस पहली सदी तो लैके अज 21वीं सदी तक हर सदी के लोगों ने इस गवाही देन दे फर्ज नो अपने अनुसार अपने तरीकों के अनुसार ते पवित्र आत्मा की अगवाई दे हेठ इस फर्ज नो पूरा किया है। इस 21वीं सदी विच अज साडी वारी है, असी अपनी आने वाली पीढ़ी नो इस दे बारे दसना है। जो ईमान असी ग्रहण किया है, जो सच्चाई असी ग्रहण की है, इसनों असी अपनी अगली पीढ़ी तक सौंपना है, उन्हां तक पहुँचाना है, ता जो ये अगे जारी रहे। फिर असी कहांगे कि असी अपना फर्ज पूरा किया है, तो असी प्रभु दे गवाह हाँ। भावें कोई भी दुख मुसीबत आवे, अत्याचार होवे, जुल्म होण, उन्हां सारयां दे बावजूद भी असी प्रभु दे नां दी गवाही देण तो कदी नहीं रुकना। आओ असी अज खास तौर पर मिशनरियां लई प्रार्थना करिए, जो संसार के वक् वक् नगरां विच जां देशां विच रहिंदे हुए अपने मसीह ईमान के कारण प्रभु दे नां दी गवाही देन दी वजह के कारण दुखां मुसीबतां अत्याचारां दा सामना कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, असीं तुहाडी महिमा वडियाई करदे हां अज दे इस दिन दे लई जो साडे जीवन विच जोड़िया है। असीं इकट्ठे हो के तो यीशु मसीह दे नां विच संसार के सारे मिशनरियां लिए प्रार्थना करते हाँ। ऐ प्रभु, उन्होंने अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई हेठ चलन सिखा, पवित्र आत्मा की अगुवाई हेठ उन्होंने मार्गदर्शन कर, ता जो तुहाडे वचन का प्रचार संसार के हर कोने कोने तक कर सकन। असीं मंगदे हाँ साडे खुदावन यीशु मसीह के वसीले, आमीन। मेरे प्यारे प्रभु जी करियो कबूल दान मेरा, मेरे प्यारे प्रभु जी करियो कबूल दान मेरा, तुसी करियो कबूल दान मेरा। ल्याया हाँ प्यार अपना रोटी दे रूप विच, ल्याया हाँ प्यार अपना रोटी दे रूप विच, आत्म समर्पण मेरा दातस दे रूप विच, आत्म समर्पण मेरा दातस दे रूप विच, मेरी मेहनत दी कमाई, मेरी मेहनत दी प्रभु जी करियो कबूल दान मेरा, तुसी करियो कबूल दान मेरा। मेरे प्यारे शाफी जी करियो कबूल दान मेरा, तुसी करियो कबूल दान।
प्रभु तो भैनों प्रार्थना करो कि मेरे ते थोड़ी यह कुरबानी पूरे गुरत वाले खुदा बाप नू कबूल होवे। प्रभु इस कुरबानी नू तुहाडे हथां दे विचों अपने नाम दी उस्तत ते वडाई दे ली अति साडे ते सारे पाक कलीसिया दे भले लई कबूल करी। ऐ प्रभु अपनी अति प्रसन्न कलीसिया दे चढ़ाव्या नू प्रवान कर जिवें तू सानू इन्नी वड्डी खुशी दी वजह दिंदा है। बख्श दे के साडे नजराने सदीवी आनंद का फल पैदा करन साडे प्रभु इस मसीह दे राहीं। आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे अति तुहाडी रूह नाल भी होवे। तुसी अपने दिल प्रभु वल लगाओ असि अपने दिल प्रभु वल लगांदे हां। असि अपने प्रभु खुदा दा धन्नवाद करिए इस सही अति योग है। ऐ प्रभु पवित्र बाप पूरी कुदरत वाले ते अकाल खुदा ए सचमुच सही अति योग है मुक्ति पाउण दा राह है कि असि हर वेले अते हर थां यीशु मसीह अपने प्रभु दे राही तेरा धन्नवाद करिए। पासका दे इस समय असी हमेशा नालों वधेरी खुशी नाल तेरी वडियाई करदे हाँ। जदों मसीह साडे लई पासका लीला कुरबान होया अपने शरीर नूं सलीब उत्ते कुरबान होण लई अर्पण करके मसीह ने अपनी संपूर्ण कुरबानी नाल बाकी सारियां कुरबानियां नूं मुकम्मल किया। अपने आप नूं साडे निसात लई तेरे हत्थां विच सौंपदे होए उसने अपने आप को प्रोहित अलतार अते बलिदान लीला सिद्ध किया। इसलिए असी अपनी खुशी विच फरिश्तियां दे संगीती लश्करां नाल मिलके तेरी मेहमान गीत गाते हुए ये ऐलान करते हाँ। पाक 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 लश्करां दे प्रभु खुदा स्वर्ग ते धरती तेरे जलाल नाल भरपूर हैं। उचियाइयां विच होसना मुबारक है वो जो प्रभु दे नाम ते आउंदा है। उचियाइयां विच होसना। हे प्रभु तू सचमुच पवित्र है अते सब पवित्रता दा सोमा है। इसलिए असी बेनती करते हाँ कि जिस तरह त्रेल पैंदी है उस तरह तू अपने रूह पाक नूं भेज के इन्हां नसरानियां नूं पवित्र कर तां जो ये साडे लई साडे प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू बन जावे। उसने अपनी मर्सी नाल अपने आप नू दुख तसियां लई सौंपदे हुए रोटी लई धन्नवाद करदिआं रोटी तोड़ी अते अपने चेलिआं नूं दित्ती ए कहिंदे हुए तुसी सारे ए लवो अते इस विच्चों खावो क्यों जो ए मेरा बदन है जिहड़ा तुहाडे लई कुरबान ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ एक बार फिर तेरा धन्नवाद करदिया प्याला अपने चेलिया नूं दित्ता ये कहिंदे हुए तुसी सारे ये लवो अते इस विच्चों पीओ क्यों जो ये मेरे लहू दा प्याला है नवें अते इस ते वी नेम दा लहू जो तुहाडे अते बहुतियां वास्ते गुनाहां दी माफी लई वहाया जावेगा। मेरी याद विच ए करिया करो। ईमान दा भेद ऐ प्रभु असि तेरी मौत दा ऐलान करदे हां अते तेरे जीव उठण दी मुनादी करदे हां जद तक तू फिर आवेगा। ऐ प्रभु असि यीशु मसीह दी मौत अते उहदे जी उठण दी यादगारी नूं मनांदे होए तैनूं ए जीवन दी रोटी अते मुक्ति दा प्याला चढ़ाउंदे हां। असि तेरा धन्नवाद करदे हां
क्यों जो तू सानू इस योग ठहराया कि असी तेरी हजूरी विच दाखिल होके तेरी सेवा करिए। असी हलीमी नाल दुआ करते हाँ कि मसीह दे बदन अते लहू विच हिस्सा लैन द्वारा असी रूह पाक दे राही एकता विच बजे रहिए। ऐ प्रभु सारी धरती उत्ते फैली हुई अपनी कलीसिया नूं याद कर अते उस तों साडे संत पापा फ्रांसिस साडे विश्वास फ्रेंको टेगनेलो सारे प्रोहतां धार्मिक सिस्टरां ते सब विश्वासी लोकां नाल प्यार दी संपूर्णता विच कायम रख। साडे भैणां भरावां नूं भी याद कर जिहड़े जी उठण दी मेट नाल सौं गए हन अते उहनां सारिआं नूं भी जो तेरे रहम विच मर गए हन इन्हां दा तो अपनी हजूरी दे चानण विच स्वागत कर। ऐ प्रभु असीं बेनती करदे हाँ कि साडे सारिआं उत्ते दया कर ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਸ ਕੁਆਰੀ ਮਰਿਯਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਸਨ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਤੀਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਆਮੀਨ। ਆਓ ਸੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਹਰਾਈਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਐ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਰਾਜ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਜਲਾਲ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਉ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਇਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਤੁਝੇ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਲਾਮ ਦੇਈਏ। ਐ ਲੀਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੀਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਐ ਲੀਲੀ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੀਲਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜੇ ਲੀਲੇ ਦੇ ਭੋਜ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਆਵੇਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
तू जिंदगी दी यीशु कुवाले दे रोटी तू जिंदगी दी यीशु कुवाले दे आबे हयात नाल तू सानू प्याल दे आबे हयात नाल तू सानू प्याल दे रोटी तू जिंदगी दी यीशु वाले दे रोटी तू तेरे आन पे मुर्दे मसीह बुहे तेरे आन पे मुर्दे मसीह नाज़र के मांगरियों नानू आके उठाले दे उठाले दे रोटी तू जिंदगी दी यीशु कुवाले दे रोटी तू जिंदगी दी यीशु कुवाले दे हंसी प्रार्थना करिए ऐ प्रभु अपने लोकां वल दया दी नज़र कर बख्श दे कि जिन्हां नूं तू सेवी पैदा राही नवा कर ली मेहरबान होया है वह अपने बदन विच जी उठन दी महिमा पा सकन साडे प्रभु इस मसीह दे राही आमीन प्रभु तुहाडे नाल होवे अति तुहाडी रूह नाल वी होवे सब शक्तिमान खुदा बाप अति बेटा ते रूह पाक तुहानू सब नू बरकत देवी आमीन शांति विच जावो हालेलुया हालेलुया खुदा दा शुक्र होवे हालेलुया हालेलुया दुआ याद कर याद कर ऐ निहायत मेहरबान कुआरी मरियम पई कदे नी सुनया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदियां तेरी मदद चाहदियां तेरी सिफारिश मंगदियां तेथों खाली गया होवे ऐ कुआरी कुआरियां दी अते मेरी मां इस तसल्ली नाल मैं तेरे को नस के आंदा हां तेरे अगे खलो के मैं गुनाही रोंदा हां ऐ दे तेरे हुए कलाम दी मां मेरी अरजा नु हकीर ना जान सगो मेहरबानी ना सुन ते कबूल कर आमीन मां मरियम शांति दी रानी साडी लई दुआ कर